आज हम बात कर रहे हैं ADHD के ऊपर। डिटेल के अंदर हम देखेंगे कि कैसे ह्यूमन के मूड, बिहेवियर और थिंकिंग के ऊपर ये असरअंदाज करता है। अच्छा डॉक्टर फैसल, हम बात कर रहे हैं आज ADHD के ऊपर। डेफिनेटली पहला सवाल ये होगा कि आप इसको डिफाइन करें, एंड साथ में ये कि हाउ वुड अ पर्सन हैविंग ADHD एक्चुअली डू। देखिए, पहली तो बात यह है कि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बचपन में नज़र आना शुरू होता है। ब्रेन में डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होता है। यूजुअली 6 to 12 ईयर्स की एज में इसको डायग्नोज किया जाता है। ADHD एब्रीविएशन है, इससे बनता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, शायद मुश्किल टर्म है, सो आई विल ट्राई कि इसको हम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकें। पहले इसको ADD भी कहा जाता था, अटेंशन डेफिसिट। अटेंशन डेफिसिट से मुराद ये है कि जो बच्चा है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, अच्छा, अटेंशन को सस्टेन नहीं कर पाता, फोकस उनका वो मेंटेन नहीं कर पाते। हो सकता है वो अपना होमवर्क करेगा तो उसमें सिली मिस्टेक्स कर दे, उसने कोई लेटर लिखा है, के लिखा है, तो उसका एक जो बार है वो छोड़ दे, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर सराउंडिंग्स में शोर है, कोई पीछे टीवी लगा हुआ है, दे कैन नॉट फोकस ऑन देयर वर्क। क्लास में भी हो सकता है वो अपनी जो नेसेसरी चीज़ें हैं, कभी बुक भूलाया, कभी वो पेंसिल भूलाया, शार्पनर भूलाया, सिली मिस्टेक्स करते हैं होमवर्क करने में, क्लास वर्क करने में, या इवन अगर वो खेल भी रहे हैं तो जो उनका प्ले होगा उस पर फोकस नहीं होगा। ब्लॉक्स बनाना शुरू किए हैं तो जो वो हाफ वे थ्रू वो छोड़ देते हैं, उनकी अटेंशन स्पैन इतना नहीं होता कि वो देर तक फोकस कर पाएँ। जल्दी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आसपास के नॉइस से, बात करते करते उनका ध्यान कहीं और हो रहा होता है और बात चल रही होती है, कॉन्वर्सेशन। ये भी हो सकता है वो बात कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको मिड वे वो कट कर दें, खुद अपनी जो बात है वो करना शुरू कर दें, या फिर अभी सवाल आपने पूरा किया नहीं है वो बीच में पहले से आंसर देना शुरू हो जाएं। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो जो माइंड है वो इतना वो फोकस नहीं कर पाता, उनको थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। अच्छा, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, मैं यहीं पे एक और सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जो लोग यूजली लोगों का अटेंशन स्पैन कुछ लोगों का कम होता है या वो कन्फ्यूजन का शिकार होता है, ये इट्स एंटायरली डिफरेंट अगर हम स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात करें। लेकिन डिपेंड करता है, एडल्ट ADHD भी होता है लेकिन उसके कुछ सिम्टम्स बचपन से ही आना शुरू हो रहे होते हैं। तो जब एज अ डॉक्टर आप पास्ट में जाते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, तो आपको पता चलता है कि घर वाले भी बताते हैं कि बचपन में भी कॉन्सेंट्रेशन के प्रॉब्लम्स थे, स्कूल में भी बच्चे को कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम्स रहे। क्योंकि आमतौर पर जब आइडेंटिफाई होता है तो घर वाले ये तो नहीं बताते कि इसको अटेंशन का प्रॉब्लम है, वो तो ये बताते हैं कि स्कूल में ये परफॉर्म नहीं करता, ये नालायक है, ये पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देता, इसको पढ़ने का शौक़ नहीं है। टीचर्स भी यही बताते हैं क्योंकि वो भी पिक नहीं कर पाते कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। सो इसलिए कुछ सिम्टम्स बचपन में ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं। यस, एडल्टहुड में जब ये जाता है तो जो एडोलेसेंट्स हैं या एडल्ट्स हैं उनमें भी कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम होता है, वो अपने काम पे पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते, ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आसपास की एनवायरनमेंट से। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है समझने की कि शुरू से थोड़ा थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम रहता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 18-20 साल की उम्र में रिसेंटली आपको अटेंशन का या कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम शुरू हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ADHD हो गया। ओके, यूजली जब आप स्ट्रेस में होते हैं या आपको डिप्रेशन की बीमारी हो जाए, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे सेरोटोनिन, उसकी मकदार कम हो जाती है ब्रेन में, जिसकी वजह से फोकस करने में, कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है और मेमोरी वीक होना शुरू हो जाती है। इट्स नॉट ADHD। अगर ये पिछले 2 महीने 6 महीने में आपको कॉन्सेंट्रेशन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसके लिए आपको एक अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और फॉरगेटफुलनेस भी होती है जब आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे, जो इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट टर्म्स मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट नहीं होगी, वो आपके माइंड में सेव नहीं रहेगी
और आप भूलना शुरू हो जाएंगे चीज़ें। अच्छा डॉक्टर फैसल, हम थोड़ा सा इसकी टाइप्स के ऊपर अगर बात करें तो आप किस तरह उसको डिफाइन करेंगे, या और कोई अटेंशन स्पैन से रिलेटेड कोई और भी हमारे पास मेंटल इलनेस है जो एडीएचडी से कनेक्टेड हो? एक तो अटेंशन डेफिसिट जिसकी बात की, दूसरा हाइपर एक्टिविटी। अच्छा ये अलग अलग भी हो सकते हैं और एक ही कंडीशन में ये दोनों भी पाए जा सकते हैं। हाइपर एक्टिविटी भी अगर इसके साथ पाई जाती है तो वो जो बच्चा है वो ओवर एक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा हाइपर होगा। बच्चे आमतौर पे वैसे भी हाइपर होते हैं, इट डजंट मीन कि उनको एडीएचडी है, लेकिन जिस बच्चे को एडीएचडी होता है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होता है, वो एक जगह बैठ नहीं पाएगा, फिजट करते रहेंगे वो बैठे बैठे, आप क्लासरूम में बिठाएंगे वो अपनी सीट पे नहीं बैठेंगे, कभी वो उठ के इधर जाएगा कभी दूसरी, क्लम्जी भी होते हैं, चीज़ें गिरा देंगे, खाना खाते हुए बहुत मेसी तरीके से वो खाना खाएंगे, आपने लाइन में खड़ा किया है वो लाइन तोड़ देंगे, कोई काम उनको दिया था, इवन अगर कमरा भी उनका होगा वो बहुत मेसी होगा, बिखरा हुआ होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, इम्पल्सिवनेस होती है, बहुत जल्दी में काम करते हैं, जल्दी जल्दी कोई टास्क है उसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं, वो फिनिश नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन उनकी ख़त्म हो जाती है, टास्क को अधूरा छोड़ देते हैं। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, अटेंशन का भी प्रॉब्लम होता है और साथ में हाइपर एक्टिविटी भी हो सकती है। अच्छा कौन से ऐसे एज ग्रुप्स हैं जिसके अंदर बच्चों को एडीएचडी होता है या अडल्टहुड के अंदर भी हो सकता है या अर्ली अडल्टहुड में? देखिए यूजुअली 6 साल की उम्र से लेके 12 साल की उम्र में इसको डायग्नोज किया जाता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक सेटिंग में ऐसा हो रहा हो, उसके लिए तकरीबन 9 सिम्टम्स हैं, 9 में से 6 का होना ज़रूरी है। सिर्फ अगर एक बच्चा हाइपर है उसका ये मतलब नहीं है उसको एडीएचडी हो गया। सो 9 सेट ऑफ सिम्टम्स हैं, उसमें कम से कम 6 होने चाहिए और वो जो सिम्टम्स हैं वो एटलीस्ट 6 मंथ्स तक प्रेजेंट रहें और 3 डिफरेंट सेटिंग्स में हो। फॉर एग्जांपल घर में भी उसको हाइपर एक्टिविटी है, स्कूल में भी है, वो बाहर बाज़ार में जाता है, किसी के घर जाते हैं, तो वहाँ पर भी अगर ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं देन वी डायग्नोज कि उस बच्चे को एडीएचडी है। अच्छा थोड़ा सा सिम्टम्स की तरफ बात कर लेते हैं कि पेरेंट्स कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि उनके बच्चों को जो है वो ये किसी बच्चे को एडीएचडी है या नहीं है? वही जो हमने पहले बात की, एक तो अगर उसको स्कूल वर्क में प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चा फोकस नहीं कर रहा, टीचर्स बता देते हैं, बच्चे के ग्रेड्स जो हैं वो या तो गिर रहे हैं या फिर वो अंडर अचीवर है, उससे अंदाज़ा हो जाए। अगर घर में बहुत ज़्यादा हाइपर है, जो हमने बात की है घर में जो खेलते हुए वो दूसरे बच्चों से खेल नहीं पाता, टास्क अनफिनिश्ड छोड़ देता है, मेस मचाता है बहुत ज़्यादा, इवन लड़ाई झगड़े शोर मचा भी सकता है, जैस वो उस लिहाज से भी वो हाइपर हो सकता है, ठीक है, एंगर आउटबर्स्ट हो सकते हैं क्योंकि फ्रस्ट्रेशन फौरन आ जाती है बच्चे में, फिर एंगजाइटी पैदा होती है जब वो कर नहीं पाते, कोई किसी काम पे वो फोकस कर रहे हैं डिस्ट्रैक्शंस होना शुरू हो जाती हैं, फिर वो एंगजाइटी पैदा होती है, बेचैनी, घबराहट, अब बच्चा तो नहीं बता सकता लेकिन वो हो सकता है गुस्से की सूरत में, चिड़चिड़ा होने की सूरत में वो चीज़ सामने नज़र आए पेरेंट्स को। अच्छा अब एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो लोग जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है उनके अंदर नेचुरली एडीएचडी भी होता है या उससे सफ़र कर रहे होते हैं या नहीं, ये इंटायरली डिफरेंट केसेस हैं? ऑटिज़म एक डिफरेंट कंडीशन है, वो तो हमने पहले भी बात की थी, उसमें तो बच्चा बिल्कुल सोशली विदड्रॉन होता है, सोशली इंटरेक्ट ट्रिगर कर रही थी छोटी-छोटी नॉइजेस भी उसको, हाँ वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं बच्चे टू डिफरेंट नॉइजेस टू डिफरेंट कलर्स, एडीएचडी इज डिफरेंट, राइट। अच्छा अब कॉजेज के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, बिकॉज जेनेटिक्स तो ये जेनेटिक्स इसमें कोई रोल मेरे ख्याल से नहीं प्ले करते, बिकॉज आपने एज ग्रुप ही ये बताई कि 6 से 12 तक के अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है, आप कॉजेज के बारे में कैसे बताएं? एक्चुअली जेनेटिक्स का रोल है, अच्छा दोनों का रोल है, जेनेटिक्स का भी और एनवायरनमेंट का भी। ओके अभी साइंस में एग्जैक्ट कॉज तो एडीएचडी की मालूम नहीं हो सकी, लेकिन ये देखा गया है कि अगर एक बहन या भाई को एडीएचडी है तो दूसरे भाई या बहन को होने का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा या जो ट्विन्स हैं उनमें एडीएचडी होने का दोनों में अगर एक को है तो दूसरे में रिस्क चांस बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा भी है अगर ट्विन्स एक को है तो दूसरे को एडीएचडी नहीं होता, तो इसमें एनवायरनमेंट का रोल भी आ जाता है। तो एनवायरनमेंट का भी कुछ डाइट्स हैं इसके साथ एसोसिएटेड, घर का माहौल अगर पेरेंट्स को था
जो हमने, तो वो बच्चे भी उनके बिहेवियर से भी सीख रहे होते हैं. सो मुख्तलिफ, अभी एग्जैक्ट कॉज की तरफ हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते साइंटिस्ट होने के नाते, बट मे बी विद टाइम. बट पेरेंट्स की वजह से हो सकता है बच्चों में भी. बिल्कुल हो सकता है. अच्छा, अब मैनेजमेंट की तरफ से थोड़ा सा बात करते हैं, और जैसे भी आपने कहा है कि पेरेंट्स को अगर है तो बच्चों में भी आ सकता है या ट्विंस के अंदर हो सकता है, तो यानी ये कंट्रोल नहीं हो सकता या इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता कम्प्लीटली? ऐसा नहीं है. जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो विद मैनेजमेंट सिम्टम्स कम हो जाते हैं वक्त के साथ साथ भी, ग्रो करने के साथ साथ भी कई सिम्टम्स जो हैं वो सबसाइड होते जाते हैं. विद प्रॉपर केयर, विद प्रॉपर सपोर्ट, बच्चे बड़ी उम्र में आके काफ़ी हद तक वो इस इन सिम्टम्स पे काबू पा लेते हैं, प्रोडक्टिव हो जाते हैं, सक्सेसफुल करियर्स में जा सकते हैं. देखें, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एज पेरेंट्स रियलाइज़ करना कि शायद इस बच्चे को आपके बाकी बच्चों के मुकाबले में एक्स्ट्रा केयर और सपोर्ट की ज़रूरत होगी. एक तो सबसे पहले वो ब्लेम गेम ख़त्म करनी है, ये नालायक है, ये इंटरेस्ट नहीं लेता पढ़ाई में, ये दूसरे बच्चों को मारता है. ये उसको ये अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट देनी है एज पेरेंट्स के दे केयर एंड दे आर देयर टू हेल्प द चाइल्ड. सो उसमें पेरेंट्स का अपना माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है. पेशेंस बहुत दिखाना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल होता है पेरेंट्स के अपने लिए भी. बच्चा पढ़ाई में भी आगे नहीं जा पा रहा, दूसरे बच्चों से भी लड़ाई हो जाती है, घर में भी वो मेस करता है. सो दे नीड टू बी वेरी पेशेंट विद द चाइल्ड. जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्कूल में क्या करना है. सो इसलिए टीचर से कम्युनिकेट करना कि ऐसे बच्चे को क्लास में आगे बिठाया जाए, उसको जो क्लास में अननेसेसरी साउंड्स हैं या कुछ, जितना मुमकिन हो उसको कम से कम करने की कोशिश की जाए ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो. एक्स्ट्रा टाइम अगर उसको मिल जाए, अगर वो थोड़ी गलती भी करता है तो उसको इग्नोर कर दिया जाए, उसको जो उसने काम ठीक किया है उस पर उसको रिवॉर्ड दिया जाए, उस पर शाबाश दी जाए, ताकि उसकी वो हैबिट जो है वो बेहतर हो. उसके अलावा जो पेरेंट्स की अपनी ट्रेनिंग है वो बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने घर में कैसे बिहेव करना है. बच्चे से जब बात करनी है उसके चेहरे की तरफ देख के, ताकि आँखों में आँखें डाल के, ताकि उसकी अटेंशन जो है वो आपकी तरफ हो, आप उसकी तरफ देख रहे हैं. बच्चे पेरेंट्स से, टीचर से इसी तरह लर्न करते हैं. अच्छा, अब ऐसे बच्चे को जैसा बता रहे कि स्कूल के अंदर जो इनको कैसे इन्वायरमेंट देना चाहिए, जब एक नॉर्मल क्लास के अंदर रेगुलर बच्चों के साथ पढ़ेंगे या ऑर्डिनरी किड्स के साथ, तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है. तो टीचर को भी अटेंशन देना, इट्स लाइक अ डिफरेंट थिंग एज वेल, और वो भी एक रिस्पेक्ट वाली बात है. तो ये इजीली मैनेज हो जाता है, और साथ साथ टाइम के साथ साथ बच्चों में कम हो जाती है ये जो बेसिकली. देखिए, आइडियल सिचुएशन तो कहीं नहीं मिलती. ऑब्वियसली एज पेरेंट्स आप टीचर्स को ये कम्युनिकेट करते हैं, या डॉक्टर भी उनको नोट लिख के दे सकता है कि आपने कैसे मैनेज करना है इस बच्चे को. टीचर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है जहाँ 30-40 स्टूडेंट्स हैं उसमें एक बच्चे पे ख़ास तवज्जो देना. लेकिन चाहे उसको पूरे हफ्ते में 3 या 4 दफ़ा अगर ऐसी अटेंशन मिल जाए, 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए, 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए, ये उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. अच्छा. बात तो ये है कि देखिए, बच्चों की नीड्स मुख्तलिफ होती हैं. कुछ बच्चे खुद होमवर्क कर लेते हैं, कुछ लोगों को बच्चों को बहुत मेहनत से करवाना पड़ता है, स्पेशल चाहिए होती है. सो हर कुछ बच्चे ग्रुप में अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ बच्चे इंडिविजुअली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं. सो टीचर्स की ट्रेनिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो समझ सकें कि किस बच्चे की क्या नीड्स हैं. इंटेलिजेंस की तो कमी नहीं होती जिन बच्चों को ADHD होता है, उनको तो वो फोकस नहीं कर पा रहे होते. ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, जहाँ पे ये यूट्यूब पे आजकल वीडियोस मिल जाती हैं कि कौन सी गेम्स एज पेरेंट्स आप उनके साथ खेल सकते हैं जिससे उनकी अटेंशन बढ़े. फिर ये है कि एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन होना बहुत ज़रूरी है घर में. उनके सोने का टाइम, उनके उठने का टाइम, उनके होमवर्क का टाइम, उनके खेलने का टाइम, जब इन बच्चों को स्ट्रक्चर्ड एक रूटीन मिलती है उससे उनका अटेंशन, उनका फोकस बेहतर होता है. जो हाइपर एक्टिविटी है वो उनकी कम होती है. जब उनको ये एहसास होता है कि कोई अनसर्टन, बेयकीनी की सिचुएशन नहीं आएगी,
ये बहुत हेल्पफुल होता है. राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल. हम आज बात कर रहे थे ADHD के ऊपर कि किस तरह उसको कंट्रोल किया जा सकता है, किस हद तक जो है वो मैनेज हो सकती है, और हमने डिटेल में उसके ऊपर देखा है आज. अगर आप चाहते हैं कि कोई भी हम मेंटल हेल्थ इशू से रिलेटेड बात करें किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर, तो हमें लिख सकते हैं. अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. खुदा हाफिज़.